भैया क्या करके मानेगा ये। गोल्डन टेम्पल मेल अमृतसर। तो फिलहाल आज की हमारी ट्रेन जर्नी ट्रेन नंबर 12903 गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस में, जो कि मुंबई के मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन चलती है और पंजाब के अमृतसर तक जाती है। और टोटल डिस्टेंस कवर करती है 1893 किलोमीटर की जर्नी तय करती है अपने अपने 29 घंटों में 33 स्टॉप के साथ। बाकी बाहर से देखिए कितना प्यारा लगता है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। यहाँ पर आपको कुली भी मिल जाएंगे, गाड़ी वगैरह भी मिल जाएगी और ऐसे प्यारे प्यारे डॉग भी मिल जाएंगे जो डरते रहते हैं। ये देखिए, बाकी ये देखिए कैसा दिखता है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन अंदर से। वहाँ पर लोकल चलती है और यहाँ पर मेल और सुपरफास्ट। यहाँ पर हमारी खड़ी है गोल्डन टेम्पल प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। 35 नंबर यह है अपनी सीट, अपर बर्थ 35 नंबर, 35 ऊपर की है, छत की है, ऊपर की है भाई, फर्स्ट क्लास। तो एक बार टाइम देख लो, 6:45 हो गए और हमारी ट्रेन धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है। कहाँ पे जाना है, इसी कोच में आना है? डब्बा देना हमारे गुरु जी। कौन से कोच में? आगे वाले। जल्दी जाओ फिर, जल्दी ट्रेन चल रही है, भाग के जाओ। मतलब भाग रहे हैं, आगे वाले कोच में डब्बा देना है, फिर B6 में देना है, आगे बिल्कुल आगे इंजन के पास लगा है। बाकी निकल गए मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। और मैं आपको बता दूं, अपनी ट्रेन को स्वर्ण मंदिर एक्सप्रेस भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि महाराष्ट्र के मुंबई और गुजरात के सूरत बड़ोदरा के जो लोग होते हैं, इनको पंजाब के स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल जो मंदिर है उनसे कनेक्ट करती है, इसलिए इसको गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस और हिंदी भाषा में स्वर्ण मंदिर मेल भी कहा जाता है। पानी कितने का है? ठंडा पानी कितने का है? 15 का आता है। ऐ थोड़ी होता है पहले चक्कर में तुम ऐसा करोगे, मतलब ठंडा पानी 15 का आता है, है? आता नहीं आता, आता है लेकिन 15 का ही आता है। ठंडा लो या वैसे लो, ठीक है 15 दूं? हैं? ए अंकल 15 का पानी आता है, 15 का पानी आता है। ये देखो भाई साहब, आओ आओ जल्दी, S4 आइए आइए जल्दी जल्दी आइए। देखिए सब बताइए। तो फिलहाल 30 किलोमीटर की जर्नी तय करने के बाद हम आ गए बोरीवली रेलवे स्टेशन पर।
और भीड़ देख रहे हो कितनी है, उसकी वजह से मैं उतर भी नहीं पा रहा। देखिए कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ हो रही है। देखिए कितनी भीड़ हो रही है, फुल हो गया पूरा कोच। चलो चलो अंदर हो जाओ भाई, अंदर हो जाओ, इनको अंदर भाई, इनको लोग अंदर जो आ रहे हैं। देखिए कितने लोग हैं भाई बोरी वोली पे, हैरान हो गया भीड़ के लेके। बाकी निकल गए बोरीवली रेलवे स्टेशन से और देखिए कितनी भीड़ है। बाकी इस रेलवे स्टेशन पर 10 प्लेटफॉर्म है और 163 ट्रेनों का यहाँ पर स्टॉप है। आप यकीन नहीं मानोगे जितनी हमारी ट्रेन खाली थी ना, सारी की सारी बोरीवली पे बिल्कुल पैकम पैक हो गई। और भाई मैं अंदर बात कर रहा था, पानी वाले की कंप्लेंट कर रहा था, ट्वीट कर रहा था कि वो उसने मुझे पानी नहीं दिया 15 रुपये में। भाई कितनी गलत बात है, अभी ट्रेन चली थी और उससे पहले ही उसने अपनी धांधलीबाजी दिखाना शुरू कर दी। मैं ट्वीट करने लगा इतनी देर में बोरीवली रेलवे स्टेशन आ गया। अब ये है बोरीवली रेलवे स्टेशन का डिपार्चर। बाय बाय मुंबई। बोला ले उस बंदे ने अपनी गलती मानी और मुझे 2 बोतल पानी दे दिया, तो इसलिए अब मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेता हूँ जो मैंने ट्वीट करा था। और मैं मैनेजर को समझा दूँ कि भाई मैंने कंप्लेंट करी थी ट्वीट करके, वो अगर आएगी तो क्लोज कर देना उस वेंडर को, ना डांटे क्योंकि भाई सुबह अभी गाड़ी चली है और अभी इतना तगड़ा हंगामा हो जाए तो सही भी नहीं लगता है। चलो गरीब आदमी भाई, पता क्या करना है इसमें, पता ना भाई, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, खुल जाएगी बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अंदर पूछा कैसे, उसको नीचे छोड़ो, नहीं छोड़ो से, ये कुंडी खोलनी है हल्की सी और उसको पकड़ दो, हो गया। क्या कर रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, पूरी सीट नहीं हो जाएगी, करो। हाँ बस हो गई, होगी ना, इसलिए बस हो गई सेट। चलो 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 जाओ भाई जाओ। आगे 263 किलोमीटर जर्नी तय करने के बाद हम आ गए सूरत रेलवे स्टेशन पर। स्टेशन कोड है ST और मैं आपको बता दूं सूरत जो है वो डायमंड सिटी भी कहा जाता है। यहाँ पे डायमंड का काफ़ी कारोबार होता है और यहाँ की टेक्सटाइल मार्केट भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। सूरत रेलवे स्टेशन पर एक दिन में 335 ट्रेनों का स्टॉप है और 23 ट्रेन यहाँ से बनकर चलती है। और सूरत कभी भी आते हो तो भाई यहाँ का फेमस डुमास बीच, भाई फेमस है ना डुमास बीच पक्का, तो यहाँ का फेमस डुमास बीच जाना ना भूले। और मैं आपको बता दूँ यहाँ का सबसे बड़ा मॉल है VR मॉल, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है ना, वो ही फेमस है बाहर जाने का यहाँ से। हाँ और देखो भाई कितने लोग हैं यहाँ से बाहर निकल के, बाकी कितने लोग अभी भी चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और गेट ये वाला बिल्कुल फ्री है, बाकी निकल गए सूरत रेलवे स्टेशन से। कभी भी अगर आप सूरत आते हो तो भाई यहाँ पर इंडियन रेलवे का डोरमेट्री रूम है, आपको अराउंड 90 रुपये में 24 घंटे के लिए
रेस्ट कर सकते हो अगर बाहर होटल ना लेना हो तो। बाकी सूरत जो है डायमंड सिटी है वहाँ, इसलिए बाकी देखिए ये निकल गए सूरत रेलवे स्टेशन से। चलिए भाई चलते हैं सोने, रेस्ट करते हैं और बड़ोदरा आएगा भी अराउंड एक घंटा और लगेगा अभी बड़ोदरा आने में, तो भाई थोड़ा सो जाते हैं। कोशिश करेंगे अगर बड़ोदरा आ गया तो आपको दिखाएंगे, नहीं तो भाई सुबह मुलाकात होगी। काफ़ी थक चुके हैं और बहुत लंबा सफ़र है, अमृतसर जाना है इसलिए। ठीक है, टाटा एंड बाय। फिलहाल वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन से। स्टेशन कोड है KOTA। यहाँ पर 6 प्लेटफॉर्म है और ट्रैक हैं 11। एक दिन में यहाँ पर 126 ट्रेनों का स्टॉप है और 27 ट्रेन यहाँ से बनकर चलती है। और देखिए कितनी प्यारा सूरज उग रहा है। और मैं आपको बता दूँ, निर्धारित समय से 27 मिनट की देरी के साथ हम आए हैं कोटा रेलवे स्टेशन। और देखिए कोटा में आपको रिटायरिंग रूम भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं। अराउंड 100-120 रुपए का होगा फर्स्ट क्लास रेलवे स्टेशन पर। चढ़ाओ चढ़ाओ जल्दी चढ़ाओ पहले लेडीज़ को। तो फिलहाल निकल गए कोटा रेलवे स्टेशन से। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ से जो दिल्ली है निजामुद्दीन 457 किलोमीटर का सफ़र है। और यहाँ से काफ़ी ट्रेन जो होती है नॉन स्टॉप जाती है, जैसे बांद्रा संपर्क क्रांति, गोवा संपर्क क्रांति और काफ़ी सारी दुरंत वगैरह जो है नॉन स्टॉप जाती है। पर इस ट्रेन के साथ ये सीन होता है भाई, सुबह सुबह ये ट्रेन जो है इकलौती एक ऐसी ट्रेन है जो स्टॉप पर रुकती हुई जाएगी, मतलब कि निजामुद्दीन तक 8 स्टॉप पर रुकेगी। इसमें जो डेली जाने वाले बंदे होते हैं या फिर जिसको मथुरा जाना है, वो सारे बंदे क्या करते हैं इसी ट्रेन में चढ़ते हैं और स्लीपर के अंदर चढ़ते हैं भाई, इसलिए जो ट्रेन है यहाँ से लोकल बन जाती है और बहुत बुरी हालत हो जाती है इस ट्रेन की। कोटा के बाद इतना बुरा हाल हो गया है ट्रेन का ना। जल्दबाजी नहीं करना, लाल आ गए गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर। स्टेशन कोड है GGC। यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म है और ट्रैक है 4। और देखिए यहाँ पर भी कितना बढ़िया तरीके से पटरियों पर काम चल रहा है, मतलब कि अमृत भारत रेलवे स्टेशन पर इस गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन का भी नाम लिस्ट में है भाई। मतलब कि अमृत भारत में जो काफ़ी सारे रेलवे स्टेशन सुधार हो रहे हैं ना, उसमें इन रेलवे स्टेशन को भी चुना गया। देखिए साइड में हो जाओ भैया, माल आ गया। कहाँ फेंकोगे? यहाँ। अच्छा इसके अंदर। अच्छा बाकी गंगापुर जो रेलवे स्टेशन है इसकी जो मेन लाइन है वो है दिल्ली मुंबई मेन लाइन। और बाकी ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था 1952 में और हमारी ट्रेन का यहाँ पर बस 5 मिनट का स्टॉप है। और देखिए काफ़ी सारे लोग जो बिना टिकट वाले हैं वो भारी बार यहीं से निकल जा रहे हैं, दीवार कूद कूद के काफ़ी लोग चले गए भाई। हो गई
चलो 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 दिल्ली 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 अमृतसर दिल्ली अमृतसर दिल्ली अमृतसर दिल्ली अमृतसर डबल डेकर MMDA पूरा का पूरा मेला बहुत लोग है भाई बहुत लोग निकलो निकलो हट जा भाई हट जा। ये देखो भाई मथुरा रेलवे स्टेशन में कितनी भीड़ हो रही है देखिए। चलो आप भी उतरोगे और यहाँ तक इतने लोग भरे पड़े हैं अभी पूरे आधे से आधा कोच उतरना है इन सबको बताइए इन सबको उतरना है और बाकी आदमी यहाँ से उतर रहे हैं उतरो तो बैग उठाऊं ये लो देख रहे हो कितनी भीड़ हो रही है जिसका कोई जवाब नहीं। बाकी ये है मथुरा रेलवे स्टेशन स्टेशन कोड है MTH श्री कृष्ण जन्मभूमि। जो लोग वडोदरा और सूरत से चढ़े थे वो लोग यहाँ पर उतर रहे हैं और मथुरा में जो लोग दिल्ली घूमने वाले होते हैं ना वो लोग यहाँ से चढ़ रहे हैं स्लीपर में बहुत बुरी तरीके से। छोले पूरी छोले चावल समोसा ये देखिए अंदर आना है देखा अंदर आना भाई समोसे लो भाई लो आ जाओ अंदर आ जाओ रखो बैग देखिए भाई आओ आओ जल्दी आओ कितने लोग उतर गए भाई देखो सारे गुजराती उतर गए बहुत भीड़ हो गई। ये लोग रह गए बाकी निकल गए मथुरा रेलवे स्टेशन से भाई काफी सारे लोग हैं 20 मिनट ट्रेन यहाँ पर भाई लगभग खड़ी रही और ट्रेन खाली जितनी हो गई थी उससे ज्यादा तो यहाँ पर भाई भर गई बनाया गया था और यहाँ पर भी अराइवल हो गया। ना जाएगी 20 मिनट का स्टॉप है। देखिए भाई कितने लोग उतर गए दिल्ली रेलवे निजामुद्दीन पे कितने लोग उतर गए निजामुद्दीन। तो फिलहाल 1377 किलोमीटर की जर्नी तय करने के बाद मुंबई सेंट्रल से हम आ गए दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक। और निजामुद्दीन पे क्या होता है काफ़ी पब्लिक यहाँ पर उतर गई और काफ़ी लोग यहाँ से चढ़ गए जो कि पंजाब वाले। और भाई आपका और मेरा सफ़र यहीं तक था। ट्रेन की अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ट्रेन है। इस ट्रेन के अंदर भाई ना तो इतने किन्नर वगैरह आते जो कि मार मुड़ के ले जाता है आप प्यार से दे रहे हो ठीक है। खाना पीना भी बहुत ही बढ़िया मिलता है पैंट्री से मतलब कि
कलेशबाजी जो और ट्रेनों में देखने को मिलती है ना भाई, इस गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस में वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती। काफ़ी सारे लोग पंजाबी जाते हैं, आपसे प्यार मोहब्बत से बातचीत करेंगे और सिलसिला चलता रहता है, सफ़र का पता नहीं चलता कब आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हो। बाकी भीड़ भाड़ भी नॉर्मल थी, बाकी आपका और मेरा सफ़र यहीं तक था। मिलते हैं अगली ट्रेन जर्नी में, तब तक के लिए हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो और मेरे साथ घर बैठे रियल वाला सफ़र तय करते रहो। ठीक है, टाटा एंड बाय। और स्वच्छ रेल स्वच्छ अभियान में सभी का साथ दीजिए, जितना हो सकता है उतना ट्रेन में गंदगी वगैरह ना कीजिए। ठीक है, टाटा एंड बाय।